बर्तन रखने के लिए गर्म हैंगर। पानी है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच, ये एक बड़ा चम्मच है, ये डिफाइंड कोयला ऑयल, सुखा रखा कोई है। भी चीज, कोई भी डिफाइंड ऑयल डाल सकती हैं आप। मूंगफली का तेल है, रिफाइंड ऑयल सोचे से फेंकना है, रिफाइंड ऑयल डाल जब के। साटरी डाल देंगी तो आपको सोडा डालने की जरूरत नहीं है। इतना पतला बैटर चाहिए, ना ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो, ठीक भी ना हो, मतलब ज्यादा की ठीक क्या करना है। ढकने के लिए दस्तरी। पानी पानी अपना गर्म गर्म होना शुरू हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। हल्का सा इसमें रिफाइंड ऑयल लगा दीजिए, खाली 2 बूंद, और लगाने से चिपकेगा नहीं। पानी गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है। पानी अच्छा गर्म हो जाए तो चढ़ाना है। उसका थोड़ा तेज हो जाए ना, उसे जल्दी सेट होता है, वरना समय लगता है थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे जिस तरह के बर्तन पे डालने पे बहुत अच्छा, मतलब ये निकलता है ढोकला, मगर उस टाइप में है नहीं, तो इससे मैं हम नॉनस्टिक ही वाला से करूँगी, इससे जल्दी निकल जाता है। अच्छा, पास ना हो यहाँ पे, इसको एक ले लेंगे, कटोरे में पैन में हमने ले लिया है बेसन का पेस्ट डाल दिया, जो अच्छे से बना हिला कर लिया, देख लीजिए। उसको हल्का से देखिए हिला छोटे छोटे देंगे। गुज्जे टाइप में आने लगे हैं, ये देखिए हल्के से बड़ा, तो जब ये फूल जाएंगे तो अच्छे से, ज्यादा मतलब आधा घंटे के लिए इसको बैटर पर रख दीजिएगा। आधा घंटा तो रख चुके हैं, अब गर्म पानी हो गया है, इधर देखो आ गया, और थोड़ा सा गैस धीमा कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा तेज गर्म हो जाएगा। बराबर से इतना चावल, देखो ये हमने थोड़ा खाली रखना चाहिए क्योंकि फूलता है ना, ये ध्यान रहे कि आधा इसको ही पानी में ना, भरना है। ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे आंच पे, इसको मीडियम आंच में रखना पड़ेगा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा।